इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दूल्हा महाराज विराजे हैं कैलाश पर। गण लोग जो सेवा में थे, 5 बजा तो गणों ने पूछा, बाबा दूसरे के नगर जाना है, तो आज्ञा होती तो हम ही लोग कुछ श्रृंगार कर देते, देवता तो कोई आई नहीं। बाबा भी मुस्कुराए, बोले हो करो। बाबा ने अनुमति दी, यथा लब्धोपचार ही, जो जो उपलब्धता थी सामग्री की, बाबा को गण लोग सजा देगा। शिव ही शंभो गण कर रही सिंगारा, शिव ही शंभो गण कर रही सिंगारा, जटा मुकुट मौलु समाना, जटा मुकुट मौलु समाना, मुंडल कंकर कहिए प्याला, मुंडल कंकर कहिए प्याला, धन विभूति भट ये हरि छाला, बाबा के ही गण सजाने लगे। जटाएं जो काम दहन के समय बिखर गई थी, समेट कर गणों ने उसका मुकुट बनाया, जटा मुकुट, और छोटे छोटे सर्पों का मौर बना के अब बिना दिया, सिर ऊपर पुच्छ नीचे, ललाट पर चंद्रमा, शीश में गंगा मैया, शरीर पर भस्म लेपन कर दिया, बागंबर पिनाया, बासुकी का जनेऊ पिराया, कंबल, अश्वतर, शंखपद, कुलकी और करकोटक, ये सर्पों के नाम है। अग्नि पुराण में
सभी सर्पों का बड़ा सुंदर विभाग है और कौन सर्प किस अलंकरण में बाबा के किस अंग की शोभामान भाव भंगिमा स्वरूप दिव्यता को प्रतिपादित सुशोभित कर रहा है, ये भी बड़ा सुंदर वर्णन है। किसका स्थान कहाँ है, स्थान स्थान पर जिसका जो स्थान है वो वहीं विराज रहा है। गणों को पता है, जो नित्य श्रृंगार में सिद्ध है उसी को पता है कहाँ क्या पहनाना है, कहाँ क्या पधराना है। बाबा के कंठ में विष है, ये भी बड़ी अद्भुत बात। कोई सहज विष क्यों पान करेगा, आदमी कड़वा तो खाना नहीं चाहता, मीठा मीठा चाहता है। बाबा ने विष पान कर लिया, क्या पता नहीं है, क्या पता है। नीलकंठ वही बन सकता है जो सबके रक्षण के लिए कंठ में विष पधराने की प्रवृत्ति रखता हो। पहला विषबाद पहला रत्न है समुद्र मंथन में, कौन लेगा कौन लेगा, देवता दैत्य सब हरहरा गए, थरथरा गए, कौन लेगा। भगवान विष्णु बोले ये प्रथम फल निकला है, प्रार्थना करो इसको महादेव को समर्पित करते। इसलिए तो नारद जी ने कहा असुर सुरा विष शंकर ही आप रामनी स्वार्थ साधक ना कुटिल तुम सदा कपट। हम अब जान पाए तुमको, क्योंकि जब जीव क्रोध में रहता है तो सत्य बोलने लगता है, क्रोध में तीन अवस्था में जीव सही बोलता है, या तो नशा किए हो तो सही बोलेगा, क्रोध में हो अथवा अबोधता अवस्था रहे तो सही बोलेगा। बच्चे झूठ नहीं बोलते जब तक उनको टेंड न कर दो, बच्चे सही बोलेंगे। अपने बारे में आपको भी जानना है तो बच्चों से पूछिए, जो 7-8 साल के बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी बताता तो है नहीं, वो सही सही बताते। अबोधता तन्मयता अथवा क्रोधता, तीन अवस्था में जीव सत्य भाषण करता है। अब अपने को बचाने के लिए, सृष्ट को बचाने के लिए भगवान ने लीला संवरण करा दिया। भगवान शिव जानते हुए, ये भी समझिएगा, शिव जी अनजाने में विष नहीं पाए। बाबा पहला फल पहला फल, बाबा तो राम राम में लगे रहते। बाबा ने ये नहीं सोचा कि ये लोग क्या दे रहे हैं, सोचे चलो प्रथम रत्न निकला है, हो सकता है मुझे ही समर्पित करना चाहते हैं, और विष को कौन पधरा सकता है। जिसको राम नाम का आश्रय हो, राम भजन में जिसकी मति गति पा रही हो, परिवार के समाज के विष को वही कंठ में धारण कर सकता है। बाबा गरल कंठ उर नर सिर मां अशिव वेश शिव आचार्य पाणिनि को 14 सूत्र देने वाले डमरू को भगवान शिव ने एक हाथ में लिया। वैदिक वैयाकरण का प्रारंभ डमरू से हुआ है, इसलिए बाबा भोलेनाथ तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। आचार्य जी लोग और किसी की उपासना भले करें न करें, श्री यंत्र साधन करें, लक्ष्मी यंत्र साधन करें, आदिशक्ति राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का साधन करे, परंतु भोले बाबा का साधन सभी आचार्य लोग करते, दूसरे के लिए नहीं अपने लिए भी। इसलिए कुंडली विचार में श्रद्धे आचार्य जी अवश्य लिखते हैं, आपका मंगल होता रहेगा, अमुक अमुक महीना अरिष्ट है, इसलिए शिवाभिषेक दैनंदिनी रूप से करते कराते रहें, तो इससे तो किसी का कल्याण होगा। भाव मेट सके त्रिपुरारी जो तब करे तुम्हारी। हाँ बाबा
उत्सव के आनंद में प्रविष्ट होने जा रहे हैं। त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का हरण करने में सक्षम नंदी जो धर्म का प्रतिरूप है उस पर आरूढ़ होकर बाबा चले चले देवताओं की देवियों ने दूल्हा महाराज को देखा तो क्या बोली, बर लायक दुल्हिनी जगना। इस दूल्हे योग्य जगत में दुल्हन है कौन? भगवान विष्णु ने देखा दूल्हा सरकार को, मन ही मन स्मरण किए, भाव प्रणाम भया, दिग्पालों को बुलाकर कहे कि भैया अपना अपना समाज लेकर आगे चलो, दूल्हा सरकार का समाज भी तो आने दो। भगवान शिव सुनकर मुस्कुराए, क्यों पंक्ति क्या मधुर हो, मन ही मन महे समुसुका हरि के वचन नहीं। यहां ध्यान रखिएगा, व्यंग के दो विभाग हैं, एक विनोद पूर्वक दूसरा उपहास पूर्वक। किसी भी उत्सव में व्यंग विनोद पूर्वक करना चाहिए, जो विनोद पूर्ण हो। कितना मधुर बजाते हैं आप, ये विनोद पूर्ण है। क्या बजाते हो यार, ये उपहास पूर्ण है। व्यक्ति एक है, परिस्थिति एक है। विनोद हुआ, मन को हल्का किया तो विनोद हो गया, और मन बोझिल भया तो उपहास हो गया। स्थिति ऐसी, भगवान ने विनोद किया। अरे भाई, आप लोग अपने अपने समाज के साथ आगे बढ़िए, दूल्हा महाराज का समाज भी आवे। भगवान शिव ने भृंगी को आह्वान किया, कहा गणों को बुलाइए। गण लोग हर हर महादेव सुनकर, हर हर महादेव सुनकर, हर हर महादेव सुनकर चल पड़े। आवाहन भाव से जैसे ही भृंगी ने आवाहन किया, गण लोग जहां थे, जहां जहां थे, सब ओर से उपस्थित हो गए। शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलज शीश तिन नाए, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, से शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला, मुख ही लब कुल मुख का हो, जय शिव शंकर जय भोला, बिन पद कर को बहु पद पाओ, जय शिव शंकर जय भोला, त्रिपुर नयन बहु नयन बीना, जय शिव शंकर जय विपुल नयन को नयन बिहीना, जय शिव शंकर जय भोला, विश्वकोष बहुवत तन घेरा, जय शिव शंकर जय भोला, विश्वकोष बहुवत तन घेरा, जय शिव शंकर जय भोला, विश्वकोष बहुवत तन घेरा, जय शिव शंकर जय भोला। जहाँ गण लोग विराजमान थे, सब लोग आवाहन सुनकर चल पड़े। को मुखहीन, किसी के बहुमुख, बहुत हाथ बहुत पैर, एको हाथ नहीं एको पैर नहीं, लुंड लुंड चले आ रहे हैं। आंखें आंख आंखें गायब, कोई ऊपर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, कोई सीधा चल रहा है, कोई लचक के चल रहा है। स्वरूप कैसा है दर्शनी, ये दर्शन करिए। तनखीन को अति पीर पावन, पावन गति भूषण कराल कपाल कर,
सब सत शोणित तन मन एक कर स्वान सुवर श्रीकार मुख गण वेशय गणित को गणे बहु इन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बर नत जमात बर नत नहीं बने जमात बर नत नहीं बने। दुबला है कोई मोटा है कोई अस्थि पहने हैं अस्थि की माला पहने हैं कोई तुत ही अस्थि की बजा रहा है कोई ताजा ताजा रुधिर लपेटे कंकाल बने ही चला रहा है। देखने में देखत अति विपरीत हैं लेकिन सबके मुख लंबे लंबे खरस्वान सुवर शिकाल मुखगन वेश अग्नित है परंतु लंबा लंबा मुंह है कि गावे यहाँ तो सुनाई पड़े हिमाचल में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।